फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, अगर आज कुछ हो जाता मेरे नेता को तो क्या होता मेरे देश का। मेरा नेता अपने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं रखता, अपने साथ कोई पुलिस नहीं रखता। 94 से वो एमएलए के सफर को तय करते हुए आज हिंदुस्तान के हर दिलों पे राज करते हैं। आपके सामने हूँ मैं, सीना ताने खड़ा हूँ मैं। है हिम्मत तो आजा। गामा डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि गामा ओवैसी साहब का सिपाही है। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। आज असदुद्दीन ओवैसी पर जहां पिलखुआ में डासना में हमला हुआ, 5 राउंड गोलियां चली, गामा जी वहां थोड़ी देर बाद पहुंच गए। गामा जी क्या कहेंगे आज हादसे के बाद? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जो गलत लोग हैं वो गलत कार्य करेंगे। मेरा नेता बेहतर सोच रखता है, मेरा नेता संविधान की बात करता है, उसका सिपाही संविधान की बात करता है। हम लोग जो मजलूमों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ बनने का जो बीड़ा उठाया है उस कार्य को करते रहेंगे। उन गोलीबाजों से कह दो, उन दंगाइयों से कह दो आप कि हमारा नेता और हम नेता का कार्यकर्ता डरने और दबे वाला नहीं है। प्रभु का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसे नेता का जीवन बचाया है जो हमेशा दबे कुचले वंचित सुस्तों की आवाज़ को अपना आवाज़ बनाते रहे। इसके लिए मैं अपने प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ उन जालिमों से जो मेरे नेता को डराने का प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे नेता पे जानलेवा हमला करने का काम कर रहे हैं, उनके मनसूबे पर पानी फेरने के लिए मेरा नेता और उनका सिपाही हर कदम पे तैयार खड़ा है। जब मनमोहन जी जिस तरह से देखा गया, तुरंत आप लोग भी पहुंचे, तमाम समर्थक पहुंचे, लोगों की आंखें नम थी। लेकिन जिस तरह से कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग। ये वो लोग हैं जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरा है, अगर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं उस हमले को झूठा साबित करने का काम ये शासन और इनके तंत्र करते। और ऐसा जरूर कहीं ना कहीं महसूस होता है कि उस सीसी वहां पे गोली चलाने वाला व्यक्ति कैसे पहले से इंतजार कर रहा था। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और मैं फिर अपने नेता की लंबी उम्र की कामना करता हूं और उन जालिमों से कहना चाहता हूं, अगर आज कुछ हो जाता मेरे नेता को तो क्या होता मेरे देश का। आप बोले साजिश है, पहले से वहां पे था कोई बंदा, तो बिल्कुल साजिश कौन कर रहा है? साजिश वो लोग कर रहे हैं जो गरीबों पर जुल्म करके हंसते हैं। साजिश वो लोग कर रहे हैं जो हमारा नेता मजलूमों की आवाज बनना चाहता, उसे कुचलना चाहते हैं। और उन्हें अब यह महसूस होने लगा है कि जिस पे उन्होंने जुल्म किया है अब तक, वो सारे लोग एकत्रित होकर अपना मसीहा, अपना नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मारने लगे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से कहा जाता है भड़काऊ भाईजान है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा उनकी बात, इसलिए गोली चला दी होगी? देखो आप, ये देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। मेरे देश का नेता जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने, आपने देखा कि उनकी भी हत्या कर दी जाती है, और वैसे ही सेम पैटर्न मेरे नेता का है। मेरा नेता अपने साथ कोई सिक्योरिटी नहीं रखता, अपने साथ कोई पुलिस नहीं रखता। 94 से वो एमएलए के सफर को तय करते हुए आज हिंदुस्तान के हर दिलों पे राज करते हैं, एक ब्लेड तक नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है कि पुनः नाथूराम गोडसे के समर्थक लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, और ये देश के लिए घातक है। अच्छा, मैं शासन और प्रशासन और चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि जितनी जल्दी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है ये उजागर होना चाहिए। अच्छा मनमोहन जी, जिस तरह योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे सारे भाग गए, फिर ये कैसे हो गया ऐसा मामला? सैया भैल कोतवाल डर काहे का, जब राजा का बयान ही उलट पलट आने लगे, 80 और 20 की बात करने लगे, जो मई और जून के महीने में शिमला बनाने की बात होने लगे, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ का व्यवस्था कैसा होगा। लग रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को भी रोका गया था, यहाँ तो गोलियां चल जा रही है महाराज। मेरा नेता डरने वाला नहीं, मेरा नेता चुप रहने वाला नहीं।
मेरे नेता का जो सिपाही है वो हर कदम पे उनका सुरक्षा करने को सदैव तैयार बैठा है। और बार बार बोल रहे हैं कि मतलब जो नाथूराम गोडसे को मारे, तो एक ही पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को अपना नेता मानती है या वीर मानती है, तो क्या उसके तरफ ये इशारा है? नहीं नहीं, मेरा इशारा ये एक विचार है, गांधी जी के विचार को जो मानने वाला व्यक्ति है इसका मतलब ये नहीं कि उसका पार्टी कोई अलग नहीं हो सकता। और नाथूराम गोडसे को मानना और गांधी जी को मानना उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हमारा ये कहना, मेरे नेता का ये कहना है कि भैया ये देश संविधान से चलेगा, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और मेरा नेता बहुत मजबूती के साथ परसों से फिर इसी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे आम जनता के बीच होगा। डरेंगे तो नहीं, आपको भी लगातार धमकी आ रही है। आपके सामने हूँ मैं, सीना ताने खड़ा हूँ मैं, है हिम्मत तो आ जा। गामा डरने वालों में से नहीं है, क्योंकि गामा ओवैसी साहब का सिपाही है। जब गामा से हमने भी वहाँ बात किया, काफ़ी गुस्से में थे गामा, क्या उसके बाद प्रशासन ने क्या कुछ कहा कि इसके बाद आप लोग जो है वहाँ से वापस आ गए, क्या आश्वस्त थे प्रशासन की कार्रवाई से? आक्रोश था क्योंकि मेरे नेता पे हमला हुआ था। लेकिन जब प्रशासन ने आश्वस्त किया कि आप लोग शांति बरते और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग रिटर्न में दे लिख करके, फिर हमारे लोगों ने रिटर्न में लिख के दिया है, प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, फिर जाके हम वापस आए। एफआईआर में क्या दर्ज कराया गया है? एफआईआर में जो घटना घटी है, जो वाकया हुई है वहाँ पे, कि भाई हमारे नेता की गाड़ी आके टोल के पास स्लो होता है, तभी अचानक सामने से एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ लड़का फायरिंग करता है और पीछे से लाल टी शर्ट पहना हुआ लड़का है, जो हुड वाला पहन रखा है, वो भी फायरिंग करने का काम करता है। लेकिन वो भगवान का तो कि दिमाग काम कर गया और भगवान साथ दे गए कि पीछे वाली गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने उसे ठोकर मारने का काम किया, जिसकी वजह से हमारे नेता का जान बच गया। नहीं, बताया जा रहा है कि एक जो है दोषी है उसका नाम सचिन है, दूसरे का भी जाँच पड़ताल हो रहा है, एक पकड़ा गया, ऐसा है? बिल्कुल यही हकीकत है, हकीकत है ये। और अब ये जांच का विषय बनता है, क्या ये प्रशासन सत्यता को सामने लाएगी, इस पे सवाल उठेगा। अगर वो सच्चाई नहीं लाते हैं तो हम AIMM के कार्यकर्ता शासन और प्रशासन से चुनाव बाद संघर्ष भी करने को तैयार बैठे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी प्रोपेगेंडा तो आप लोग नहीं फैला रहे हैं? हमारे नेता का सत्ता से कोई मोह नहीं है। आपने देखा कि कोई लाओ लश्कर होता है मेरे नेता के पास? जो इतना बड़ा कद्दावर नेता हो, चार बार के सांसद हो वो, उसके बाद भी आप देख लो कैसे सादगी के साथ वो रहते हैं। तो कभी भी राजनीति जो है प्रोपेगेंडा से नहीं किया जा सकता। ये प्रोपेगेंडा वाले लोग दूसरे हैं, हमारा नेता तो संविधान को बचाने के लिए चला है और संविधान की बात करता है। संविधान की राह पे वो कुर्बान भी हो जाए तो भी उसे डर नहीं है, क्योंकि मेरा नेता कहता है मरना तो एक दिन है लेकिन हम मरेंगे लोगों की आवाज़ बनकर। तो पंडित जी, जिस तरह से सवाल आपने भी प्रशासन में तहरीर दी है, क्या लग रहा है कि सुरक्षा आपके ऊपर आपको भी मिलेगी क्या? देखिए, सुरक्षा दे या न दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे कैंपेनिंग में देख लो कहीं कोई कमी हो रहा हो, रात को दो दो बजे तक, एक एक बजे तक मैं बाहर रहता हूँ। हमारे घर परिवार के लोग जरूर चिंतित होते हैं लेकिन मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी सुरक्षा मेरे अपने लोग करने में सर्टिफाइड है। सदर पे तो गोली चल जा रही थी, आपकी क्या गारंटी है फिर? बिल्कुल गारंटी तो खैर किसी की नहीं है। अब गोली चल जाती है तो इसका भुगतान भी तो भुगतना पड़ेगा लोगों को, इतना आसान तो नहीं है कि आप मेरे नेता पे गोली चला दिए और चुप बैठ जाएंगे, आप हम आपको आराम से छोड़ देंगे। नहीं, जो संविधान के तहत हमारी ताकत मिली है उस ताकत को लेकर के हम आप पे कार्रवाई करेंगे। आपको अंतिम पैदान तक, जब तक आपको सजा ना दिला दे, हम लोग खड़े रहेंगे। बार बार MIM के ही प्रत्याशी पे, उनके सदर पे हमला किया जा रहा है, कभी गर्दन काटने की बात कही जाती थी, ये राजनीतिक मतलब साजिश है या पर्सनल कोई मन मुटाव ओवैसी साहब के भाषणों से? इसको नहीं, देखिए ओवैसी साहब का कोई ऐसा भाषण नहीं है जिस भाषण से किसी पर्सनल व्यक्ति या किसी पर्सनल जाति को इंडिकेट किया जाता हो। वो हाँ, इतना वो जरूर कहते हैं कि 70 सालों में राजनीतिक रूप से मुसलमानों को पिछड़ा रखा गया, तो ये गलत तो नहीं कहा गया? कहाँ, आज उत्तर प्रदेश में अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 20% है ना भाई। क्या इनका अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री बनने का? क्या इनका अधिकार नहीं है कि ये अपना
अपने लोगों के हक की बात कर सके, और अगर इन्होंने किया तो ये गलत है, तो गलत। अगर ऐसा कोई मानता है तो मैं नहीं मानता। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, क्या मनमोहन जी फिर आगे लड़ाई लगातार जारी रहेगी? 10 तारीख को चुनाव ही है, लड़ेंगे और जीतेंगे, मैदान छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनसे कह दीजिएगा कि वो कोई और होगा जो तुम्हारे दबके में आ जाता होगा। ओवैसी साहब और ओवैसी साहब का सिपाही संघर्ष की राह पकड़ चुका है, संघर्ष की राह से मरने के बाद ही पीछे हट सकता है, उससे पहले उसे हटाने की किसी में ताकत नहीं है।